मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास वाली सीट न मिलने और कार्यक्रम के बैनर से फोटो गायब होने पर कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा नाराज हो गए। वे कार्यक्रम छोड़कर जाने वाले थे, तभी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने उनकी नाराजगी को भांप लिया और उन्हें मनाने पहुंच गए। काफी देर मनाने की मशक्कत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पास बैठाया, तब कहीं जाकर मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की नाराजगी दूर हुई। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा विधानसभा स्तर पर बूथ सम्मिलित सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसको लेकर सीएम मोहन यादव सोमवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां वे बूथ समिति सम्मेलन में शामिल हुए। इसी बीच कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा सीएम के पास वाली सीट न मिलने और बैनर में फोटो गायब होने पर नाराज हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, वहीं कांग्रेस ने इस घटना पर तंज कसा है। सूत्रों की माने तो मामले की शिकायत सीएम से की गई है, पार्टी पर गुटबाजी के आरोप लगे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे का बयान सामने आया है, आइए सुनते हैं उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और होता कुछ है। हमेशा कहेगी कि हमारी पार्टी में अनुशासन है, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज उनकी बूथ समिति की मीटिंग में 25 से ज़्यादा नेता मंच पर बैठे हुए हैं और कैबिनेट मंत्री को एक कॉर्नर पर बिठा दिया जाता है केवल गुटबाजी के कारण। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भारत सिंह कुशवाहा जी को ग्वालियर से, मुरैना से मंगल सिंह तोमर जी को अपने दोनों लोगों को टिकट दिलवा दिया, तो जो दूसरा पक्ष है वो बहुत नाराज है और ये नाराजगी सरासर जाहिर हो रही है। कैबिनेट मंत्री का फोटो तक गायब कर दिया गया, जबकि उनके कई जूनियर फोटो में दिखाई दे रहे हैं। फिर सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर जी आते हैं, नारायण सिंह कुशवाहा जी को मनाते हैं, क्योंकि नारायण सिंह कुशवाहा जी आज नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ नहीं है, तो ये कुशवाहों का भी ये सरासर अपमान हो रहा है। नारायण सिंह कुशवाहा समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चाई है वो लड़ाई है वो जनता के सामने आ रही है।